हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं झिंगुनी तोड़ने। जो हम तोड़ रहे हैं झिंगुनी, ये देखिए, आज हमको मन किया है कि सब दिन तो बनाए हैं आज सरसों दा का, तो फोरन पड़ गया झिंगुनी के, तो देखिए हम झिंगुनी तोड़ रहे हैं। झिंगुनी तोड़ लिए, अब हम झिंगुनी तोड़ के आ गए। ये प्याज है, हम परवल है, झिंगुनी है और दो गो आलू है, तो हम इसको सब्जी बनाने जा रहे हैं। मिरचाई है, हरा मिर्ची है जो हम अभी तोड़ कर लाए हैं अपना बाड़ी में से। तो अब हम फसल रख लिए हैं, अब हम बारी बारी से सबको हम कटिंग कर लें, काट लिए हैं। देखिए झिंगुनी को, इसी में हम परवल भी काट लिए हैं। देखिए जैसे हम परवल काटते हैं ना, इसी तरह पर हम झिंगुनी के काटे हैं। ये देखिए, और मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम कटी हुई झिंगुनी को डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बनाए हैं मेरा फ्राई, अब हम इसको निकाल लेती हैं। इसको हम निकाल लिए हैं, बारी बारी से सबको निकाल लेती हैं। अब मेरा थोड़ा हम चटका रहे हैं जीरा देकर, मेरा फोरन चटक गया, प्याज इसमें डालकर इसको अच्छे से हमको थोड़ा करना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, या कि मेरा प्याज अच्छे से गल जाएगा। अब मेरा प्याज गल गया है, इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू और प्याज को दोनों तेल के साथ हम फ्राई करेंगे। इसमें हम डाल देंगे मसाला, जो लहसुन का, मिर्चाई का, हल्दी पाउडर डाल लिए हैं पेस्ट बनाकर, और जीरा पाउडर, और अब गुल मरीच पाउडर। अब हम डाल दिए नमक, तो पहले ही डाल दिए हैं, हम इसको अच्छे से मिलना है। अब फ्राई किया हुआ झिंगुनी को इसमें डालकर इसको अच्छे से मिलाना है। ऐसे हो गया, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छे से हम चला देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे कि अच्छे से पक जाए मेरा सब्जी। थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ। अब इसको हम ढक दिए हैं सब्जी का, देखिए अभी नहीं हुआ है, देख रहे हैं उघाड़ कर कि मेरा सब्जी हुआ है कि नहीं। तो अभी नहीं हुआ है मेरा सब्जी, इसको हम ढक देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाल बटन टिपिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए मेरा सब्जी, तैयारी हो गया।